Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. अगर आप लोग मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते होंगे मैं वही प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ या फिर मेरे को जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है या फिर ऐसा लगता है कि आप लोग के लिए मेरे को वीडियो जरूर बनाने चाहिए ताकि मैं आप लोगों की किसी तरह से हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोग खरीदने से पहले उन चीजों को जो है एक बार जान लें कि आपको क्या चीज मिलेगी. वैसे ही जो है गाइज, आज की मेरी वीडियो जो है वो है O3 प्लस स्किन सॉल्यूशंस, जो कि उनकी न्यूली लॉन्च है प्लंज नेल लैकर्स, उनके बारे में जो है मेरी आज की वीडियो है. ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर आप लोग जो है नेल पेंट्स को प्रेफर करते हो जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, नेल्स को हार्म ना हो और डिसेंट प्राइस्ड हो. तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. अगर आप लोग अभी तक मेरे को जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो गाइस प्लीज नीचे जो है लिंक आपको मिल जाएगी, आप प्लीज वहां जाइए और मुझे फॉलो करिए. आप लोगों के किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे वहां डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो. मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ मैं अपने सारे फॉलोअर्स की या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबकी जो है मैं वहां पे क्वेरीज दूर करती हूँ. तो आप प्लीज मेरे फ्रेंड बनिए और मुझे वहां फॉलो करिए. साथ ही साथ मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है यानी कि श्वेता व्लॉग्स, उसको जरूर फॉलो करिए गाइस, बिकॉज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस ब्रांड के बारे में बता देती हूँ, यानी कि O3 प्लस के बारे में आपको मैं बता देती हूँ. ये काफी ज्यादा वेल नोन ब्रांड है. इनके स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में. इसको जो है मैंने इन नेल पेंट्स को जो है वहां पर फाइंड किया कि जो है इनकी बहुत ही अच्छी और यूनिक फीचर्स है इनकी सब सारी ही नेल पेंट्स में. बकायदा इनको मैंने ट्राई किया है, इसी वजह से जो है मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. और आप लोग के साथ जो है मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे क्यों लगे हैं वो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी इस वीडियो में. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन नेल पेंट्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इनकी आउटर पैकेजिंग किस तरह से होती है. ये जो नेल पेंट्स होती हैं ये बहुत ही अच्छे और डिफरेंट तरह की शेप है इनकी. आप देख सकते हो कितनी अच्छी शेप है, काफी डिफरेंट है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप है इनकी. बहुत ही फ्लैट फिनिश है इनका, बिल्कुल भी जैसे मतलब बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग हो ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही लाइट वेट है. ग्लास की बॉटल मिलती है आपको, इस पे लिखा हुआ मिलता है इस तरह से प्लंज O3 प्लस नेल लैकर्स. साथ ही साथ इसमें छोटा सा नीचे लिखा हुआ है इट इज फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस. साथ में इसमें लिखी होती है क्वांटिटी विच इज 10 ml. और इसके पीछे जो है काफी छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस है, इसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीजें जो है स्पेसिफाइड होती हैं. साथ ही साथ इनके टॉप पे जो है आपको मिल जाता है इनका कोड नंबर और साइड में जो है इनका शेड नेम लिखा होता है. जैसे इस शेड का जो नेम लिखा हुआ है दैट इज ब्लॉसम. आपको टोटल 17 शेड्स मिलते हैं इन नेल रैकर्स के. साथ ही साथ इनका जो प्राइस है वो है 299 rupees. अब हम बात कर लेते हैं क्या है डिफरेंट इन नेल लैकर्स में, जो कि मैं आप लोगों को बोल रही थी. इसमें लिखा हुआ है इट गिव्स लग्जूरियसली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. इट फीचर द कलर लॉक टेक्नोलॉजी, चिप रेजिस्टेंट फॉर्मूला, इम्प्रेसिव कवरेज, फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस, क्योर्स इन डेलाइट, सो नो नीड टू क्योर इन UV और LED लैम्प्स. इन सारे फीचर्स के अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा वो ये है, आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी नेल पेंट में जो है आपको कोई फ्रूट का न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मिल रहा हो. आपको जो है इन नेल पेंट्स में जो है आपको मिलता है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज अ पैशन फ्रूट. अब पैशन फ्रूट जो है उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, जो कि बहुत ही वेल नोन है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा उसके बेनिफिट्स. तो वो जो है बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है आपकी नेल की ग्रोथ के लिए, नेल की जो टेक्सचर है अपर लेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है. मैंने पर्सनली इस तरह का कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट कभी नहीं सुना किसी भी नेल पेंट्स में या नेल कलेक्शन में. और मुझे ये चीज बहुत ही डिफरेंट लगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं इस बारे में. इस वीडियो में जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी इन सारे पॉइंट्स का जो कि इसमें मेंशनड है इनकी वेबसाइट पर. लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मैंने कौन से शेड्स जो है मेरे पास है. मैंने जो है ट्राई किया है सबसे पहला और जो कि सबसे फेवरेट शेड है मेरा वो है ये, यानी कि 04 ब्लॉसम जो मैंने आपको दिखाया था. उसके बाद जो है मैंने शेड परचेज किया है ये, जो कि एक न्यूड कलर है. ये कलर है न्यूड कलर, जो कि इसका नेम है, इसका कोड है 01 और इसका शेड नेम है विंटेज. नाउ ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है. एक जो है मैंने ब्लैक नेल पेंट, मेरे पास बहुत टाइम से मुझे खरीदनी थी तो मैंने जो है ब्लैक नेल पेंट ट्राई करना था मुझे, तो मैंने इसलिए ब्लैक नेल पेंट मंगाई जिसका नंबर है 03.
एंड इसका नेम है ब्लैक मैजिक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो है काफी डिफरेंट अपने टेस्ट से हटकर जो है एक शेड परचेज किया है जो कि है ये, यानी कि 02 एंड इसका नेम है मसाई। और ये शेड जो है काफी डिफरेंट है मेरे हिसाब से बिकॉज मैंने इस तरह का शेड कभी नहीं परचेज किया। ये जो है डार्क प्लम पर्पल कलर जो होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर है। इनके स्वॉचेस दिखा देती हूँ हर इन चारों में से हर एक शेड के, ताकि आप लोगों को जो है और अच्छे से आइडिया हो सके। स्वॉचेस देख लिए हैं, अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ इन नेल पेंट्स को लेकर। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन नेल पेंट्स के बारे में वो ये है कि इनके अंदर लग्जूरियसली हाई क्वालिटी शाइन है। मैंने अभी भी जो है इनमें से एक कलर ब्लैक मैजिक जो है वियर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो शाइन। कैन यू सी द अमाउंट ऑफ शाइन इट इज गिविंग। मुझे इन नेल पेंट्स को लगाए हुए 3 to 4 days हो चुके हैं, भी शाइन बरकरार है। दूसरी चीज मुझे नेल पेंट्स की जो अच्छी लगी है वो ये है कि आपको जो है जो डार्क कलर्स हैं स्पेशली एक ही एप्लीकेशन में जो है आपको परफेक्ट ओपेक फिनिश मिलेगा, लेकिन जो लाइट शेड्स हैं उनमें आपको 2 thin layers जो है लगानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको परफेक्ट और प्रॉपर कलर मिल जाता है। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी चीज लगी, आपको ज्यादा जो है क्वांटिटी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इनके ब्रश की क्वालिटी। आपको मैं अभी दिखाती हूँ इनकी ब्रश की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसकी जो सबसे पहले जो कैप है इसको होल्ड करना बहुत ही इजी है। ब्रश जो है बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। इसकी जो शेप है ब्रश की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है नेल पेंट्स में वो होता है उनका ब्रश। उनका जो ब्रश होता है वो ही डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से नेल पेंट को अप्लाई करोगे, कितनी अच्छी आपको फिनिश मिलेगी। तो ये जो शेप है इस ब्रश की आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। विद इन 2 to 3 यू नो मूवमेंट आप करोगे तो उसमें आपके जो है पूरा नेल कवर हो जाता है। जो नेम्स हैं बहुत ही अच्छे और क्लासिक हैं, मैंने आपको बताया ब्लॉसम आप फिर भी सोच कभी आपने सुना होगा, लेकिन मसाई बहुत ही डिफरेंट नेम है, विंटेज बहुत ही डिफरेंट नेम है, ब्लैक मैजिक, आप एक ब्लैक नेल पेंट को एक ब्लैक मैजिक नेम दे रहे हो गाइज। मुझे लगता है काफी अच्छे से इन्होंने जो है हर एक नेल पेंट का नेम दिया है, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है, इनमें बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा केमिकल और केमिकली कुछ नेल पेंट्स होती है ना उनमें, उनको उनकी कैप ओपन करते ही आपको ऐसी स्मेल आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल कि उनमें कितना ज्यादा केमिकल्स है, बट इन नेल पेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल स्मेल है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग स्मेल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से नेगेटिव पॉइंट्स की जो मुझे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइस इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है मेरे हिसाब से भी, बट गाइस आप लोग सब जानते ही हो मोस्टली नेल पेंट्स में जो है बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, आपके नेल्स को डैमेज करते हैं, आपके नेल्स जो है येलो होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं, रफ टेक्सचर हो जाता है। तो आपको जो है एक डिसेंट प्राइस प्रोडक्ट पे ही जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली भी आजकल जो है कोशिश करती हूँ क्वांटिटी आपके पास कम हो, मतलब ज्यादा वैरायटी ना हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली वर्थ स्पेंडिंग योर मनी। तो मैं सोचती हूँ आपको जरूरी नहीं है आपको बहुत सारी नेल पेंट्स वैरायटी चाहिए और होनी चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी की आप जो है नेल पेंट जरूर यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है मुझे कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता है इन नेल पेंट्स के बारे में। मुझे ऑल इन ऑल ये जो नेल पेंट्स की रेंज है मुझे काफी डिफरेंट लगी है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इसके फॉर्मूला से और सारी चीजों से कि आप जरूर ट्राई करना इन नेल पेंट्स को। इनकी परचेज लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल ही जाएगी। सो गाइज दिस वॉज माई शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू अबाउट दीज नेल पेंट्स, आई होप यू लाइक इट। मैं मिलती हूँ जल्दी आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ। बाय।